बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाई हूँ आप साथ में, आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। भाई सऊदी अरब में कुछ ऐसे वाक्यात सामने आ रखे हैं जिनको देखने के बाद मैं भी काफी हैरान हो रखा हूँ। इस यौम वतनी के ऊपर जो भाई लड़कियों के साथ छेड़खानी की वीडियो सैकड़ों के हिसाब से देखने को मिली होंगी आपको, तो ये भी काफी हैरान कन है। हालांकि इससे पहले यौम वतनी के ऊपर एक आध वीडियो ऐसी कभी ना कभी हमें देखने को मिलती थी, वरना ऐसे मामला नहीं होते थे। बहरहाल इन मर्दों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है। अभी मैं आपके साथ एक वीडियो यहां पर शेयर कर देता हूं। ये हायल शहर की वीडियो है, तो एक ही गाड़ी है जी। इससे पहले भी इनकी वीडियो वायरल हो चुकी थी, लेकिन उस टाइम तक ये पकड़े नहीं गए थे। इनके पास शेवरलेट वालों की गारमेंट ब्लैक कलर की ये गाड़ी है इनके पास। उस टाइम पे इन लोगों ने एक बंदे को उठाया, होश कर दिया, उसको अगवा कर लिया। तो उसके बाद भाई इन्होंने उससे जो पैसे वगैरह थे वो छीन लिए, उसको छोड़ दिया बस। अभी जो दूसरी वारदात इन लोगों ने डाली है यहां पर, अभी मैं वो आपको चलानी दिखानी शुरू कर चुका हूँ, आप वीडियो में देखते जाएं। ये एक पेट्रोल स्टेशन के ऊपर खड़े होते हैं जी, वही गाड़ी है पहले वाली, ठीक है जी। वही बंदा नीचे उतरता है, तो वहां पर खड़े होते हैं, उसके बाद ये पेट्रोल डलवाते हैं। वो बंदा इससे बातचीत कर रहा है थोड़ा, लेकिन गाड़ी के पीछे जो बैठा हुआ है वो इससे जब पैसे लेने लगता है, वो पेट्रोल स्टेशन वाला, मुझको गार्बन इंडियन या बंगाली लगता है, तो वो पीछे सीट वाला उसको पैसे देने लगता है। तो उस टाइम ये बाहर वाला बंदा उसको भाई उठाकर, देखें आप, धक्का लगाकर अंदर फेंकता है गाड़ी के अंदर, और दरवाजा बंद भी नहीं अभी सही से होता है, ड्राइवर सीट पर पहले ही बंदा मौजूद था, वो गाड़ी भगा देता है। यानी कि इस बंदे को भी ये लोग अगवा कर ले जाते हैं। ये डकैती करते हैं जी, सिंपल है। उसके हाथ में आपने पैसे देखे होंगे, पेट्रोल स्टेशन पे जो काम करते हैं उनके हाथ में पैसे होते हैं, जो पेट्रोल स्टेशन थोड़ा ज्यादा चलते हैं वहां पर भाई रश होता है, वो पैसे वहीं रखे जाते हैं अपने पास। हरी सी बात, शाम को हिसाब देना होता है, तो वो उसके पास जो 2,000-4,000-5,000 शायद इससे जायद हों, ये लोग उससे पैसे छीन लेते हैं, मोबाइल वगैरह या उसके पास खुद के, जो वो छीन कर उसको कहीं और बगैदा उसको भाई फेंक जाएंगे, उतार देंगे। तो ये डकैती वगैरह की ऐसी वारदातें करते थे, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह इन तीन अफराद को हायल शहर से यानी कि गिरफ्तार कर लिया गया है। अरे सऊदी अरबिया में एक चीज, ये इस चीज के ऊपर मैं बहुत खुश होता हूँ कि कोई भी किसी किस्म की वारदात अगर कोई बंदा करता है तो चंद दिन के अंदर, चंद घंटों के अंदर ही पकड़ लिया जाता है। तो अभी इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मजीद आगे तो ये कोई काम नहीं करेंगे। अभी इनको अच्छी खासी जेल और अच्छा खासा फाइन होगा। लेकिन सऊदी अरेबिया में ऐसी वीडियोज, ऐसे मामला देखने के बाद मैं अभी हैरान हो रखा हूं कि अभी ऐसी वीडियोज, ऐसे मामला सामने आ रखे हैं जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखे थे सऊदी अरेबिया में।